किसानों को कोकून उत्पादन के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11 रेशम केंद्रों की स्थापना की गई। मकसद था गांव के लोगों को रोजगार देना और कोकून के प्रोडक्शन को बढ़ाना। लेकिन अब कोसा बीज का फायदा कोरिया के लोग नहीं बल्कि बाहर के व्यापारी उठा रहे हैं। कोरिया जिले में 11 रेशम केंद्रों से हर साल 19 लाख कोकून का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के कोसा बीज का लाभ बाहर के व्यापारी ले रहे हैं। जबकि अच्छे उत्पादन होने के बाद भी धागा बनाने का काम जिले में कहीं भी नहीं हो रहा है। कोसा से धागा बनाने के लिए विभाग हर साल 50 मशीनें किसान और महिला स्व सहायता समूहों में बांटता है, लेकिन ये मशीनें कबाड़ हो रही हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड से 12,000 रुपए की मशीन शासन से सब्सिडी पर किसानों को कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। इन मशीनों से कोसा का इंच धागा अब तक तैयार नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोसा उत्पादन में कोरिया जिले का नाम आगे रहा है। कोरिया जिले में कोकून तैयार करने के लिए 11 सेंटर हैं, जिसमें साल में कोकून की 2 फसल होती है। रेशम विभाग के अफसरों की माने तो एक सीजन में 8 लाख से अधिक कोकून तैयार होते हैं, लेकिन इसका फायदा जिलेवासियों को नहीं मिलता। जिले की महिलाओं और किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के दावे फेल साबित हो रहे हैं। अब तक कुल 500 से ज्यादा मशीनें बांट दी गई हैं, पर कुछ मशीनें सलका केंद्र और कुछ जामपाड़ा केंद्र के गोदाम में कबाड़ के बीच सड़ रही हैं। रेशम विभाग के अधिकारी का कहना है कि धागा प्रोसेसिंग क्यों बंद है, इस पर वो जानकारी लेंगे और जल्द से जल्द जिले में धागा यूनिट की स्थापना कराएंगे। नहीं, इसमें ऐसा नहीं कि चालू नहीं हुआ, पहले चालू हुआ रहा होगा और धागा निकालने का काम भी हुआ होगा। 2 साल पहले जिला पंचायत द्वारा दीपा योजना अंतर्गत मशीनें क्रय की गई थी जो कि चली हैं, वहाँ पे चली हैं, लेकिन वर्तमान में भी बंद है। वर्तमान में बंद क्यों है ये तो इसको पता करना पड़ेगा कि मशीनें बंद क्यों हैं। बिल्कुल, ये क्या है, मशीन जब से अगर उपयोग में नहीं रहेगी, लोहे का बना हुआ सामग्री होता है, वो लोहे का है, तो उसमें अटक रखाव नहीं होना, उसमें जंग लग जाना, वहाँ बिल्डिंग की स्थिति भी ठीक नहीं है, कुछ पानी टपकते हैं, इस कारण भी उसमें जंग लगने की काफ़ी संभावना है। उसको अपलेखन करने की कार्यवाही हम कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल पुरानी मशीन है। बिल्डिंग सर इसे शाम को खुल जाता है, सुबह भी फड़फड़ हेलने के लिए खुलते हैं। हाँ तो सर, जब तक आया है मशीन तब से बंद है। नहीं, मशीन तो अभी तक चालू नहीं हुआ है।